मैंने यहाँ सेंट जॉर्जेस हॉस्पिटल में अभी जो पेशेंट्स है उनसे मैं मिला। करीब 10 पेशेंट्स यहाँ पर वार्ड में है, एक पेशेंट आईसीयू में है लेकिन वो भी आउट ऑफ डेंजर है। और ये जो सारी घटना है ये बहुत ही गंभीर इस प्रकार की घटना है। स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के बावजूद अगर इस प्रकार से ब्रिज कोलैप्स होता है तो ये सारी चीज़ों पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए इसकी एक उच्च स्तरीय जांच तो होगी। लेकिन साथ ही मैंने म्यूनिसिपल कमिश्नर को ये भी कहा है कि इसकी प्राथमिक जांच करके शाम तक इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको फिक्स करे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाओं में किसी को बख्शने का कोई कारण नहीं है। और निश्चित रूप से अगर ऑडिट हुआ है और उसके बावजूद ये पुलिया गिर रहा है तो इस ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा होता है और इसलिए उसके ऊपर भी निश्चित रूप से जांच की जाएगी। अभी ये ऑडिट की प्रक्रिया ठीक थी कि नहीं थी ये भी देखा जाएगा, और जो ऑडिट करते हैं वो अगर उसको फिट करार देते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर इसमें। अगर उन्होंने इस प्रकार का उसको फिट कहा है और माइनर रिपेयर्स वगैरह कुछ कहा है तो बहुत ही गलत बात है और इसके ऊपर निश्चित रूप से, और ये ऑडिट के ऊपर भी एक सवालिया निशान इससे लगा हुआ है। इसलिए अभी भी जो ऑडिट हुए हैं उनकी भी रिविजिट करना ये भी आवश्यक है, वो भी किया जाए।